ने कहा कि मुसलमान जो है उनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए बीड़ा मुझे उठाना चाहिए, तो एक मानसिकता क्या बनती नजर आ रही है? अगर उनको बीड़ा उठाना चाहिए तो इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर बीड़ा उठा लिया तो क्या होगा कल्पना के बाहर है, एक बात। दूसरी बात, माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे हिंदू महासभा भाई हैं, वो बीजेपी वाले नहीं हैं, या आप ध्यान सुन लीजिए, जानकारी नहीं तो जानकारी ले लीजिए, वो हिंदू महासभा भाई हैं और उनका जो मेंटेलिटी है, उनका जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्य की पद्धति है, वो वीर सावरकर जी की है। अब रही बात राजनीति की, तो मैं इतना निंदा करना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री अपना मठ नहीं बचा पा रहा है, जो मुख्यमंत्री अपना कालर नहीं बचा पा रहा है, वो कैसे सुरक्षा देगा समाज की, बड़ा क्वेश्चन है। माननीय योगी से मेरा क्वेश्चन है, आपके मठ में कई मुसलमानों की दुकानें हैं, ये कौन सा हिंदुवाद है? वो थूक लगा लगा के मिठाई बेच रहे हैं, थूक लगा लगा के फूल बेच रहे हैं और गोरख जी के मठ पे चढ़ रहा है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ कि वहाँ की जो दुकानें मुसलमान अगल बगल हटाई जाएँ, और IIT पास एक टेक्निकल आदमी मठ में घुस करके वार करता है, हथियार लेकर करता है, और उसके घर वाले बोलते हैं कि उसके संतुलन ठीक नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि देश में किसी भी मुसलमान का संतुलन ठीक नहीं है, पागलपन सवार हुआ है। तो अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश का पागल हुआ बाई चांस, तो क्या है वो कल्पना के बाहर है, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। कौन है जिसका कार्यालय है, जिसका काम है और किसका लगेगा? जो हमारे जो हमारे आद्य क्रांतिकारी हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, पंडित नथुराम गोडसे हमारे आदर्श हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे महापुरुष हैं, वीर सावरकर हमारे महापुरुष हैं, अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी देश में तो किसकी लगेगी? अभी अभी पहले 2017 में कोशिश की थी, हटा दी गई थी, प्रशासन ने जब करने की मूर्ति, तो क्या आगे आंदोलन होगा या फिर प्रयास होंगे? नहीं, बिल्कुल आंदोलन होगा, थोड़ा सा अभी 2022 का चुनाव था 5 राज्यों में, तो हिंदू महासभा से बाकी पार्टी से चढ़ समझौता, लेकिन समझौता हुआ नहीं, इसलिए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हिंदू महासभा कार्यालय है, हमारा ऐसा मत है, तो वहाँ वहाँ पंडित नथुराम गोडसे की मूर्ति होनी चाहिए, जो चौराहे हैं कार्यालय के अगल बगल वहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए, और तथाकथित जो सेकुलरवादियों के जो नाटक है देश में, या सावरकर जी के नाम पर, नथुराम जी के नाम पर जो अनाप शनाप जो अपतिपियाँ करते हैं, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ कि क्रांतिकारियों को अभद्र भाषा में व्यवहार करना बंद करें, क्योंकि देश क्रांतिकारियों का है, देश समाज सेवियों का है, देश महापुरुषों का है, ये देश किसी गांधी या टकले का नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं किसका देश, ये किसी गांधी का, किसी टकले का नहीं, टकला मतलब मराठी बोलते हैं जिसके बाद सर पे बाल नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है, ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फोटो, देश के हजारों चौराहों पर इनका प्रतिमा, देश के हजार रोड इनके नाम पे हैं, तो हम तो ये आह्वान करते हैं कि इनका जहाँ जहाँ पुतला है वहाँ वहाँ हटा देना चाहिए, वहाँ पुतला होना चाहिए किसका? नाथुराम गोडसे का। जो भी नाटक कर रहे हैं उनका पॉलिटिकली नाटक है, हमारे साथ समाज है, पूरा हिंदू समाज है, हर जाति का हर वर्ग का भेद है, सबको पता है कि गांधी वध क्यों हुआ, किसी भी क्रांतिकारी से, किसी जो समाज को कुछ जानता है समझता है, अगर उससे पूछिए कि गांधी किसने मारा तो तुरंत बता देगा, हमारे इतने काफ़ी है, अब कौन क्या बोलता है वो अपना अपना मन बतातर है। जी बताइए।